बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ के राशन डीलर ने विभाग के अधिकारियों पर रुपए लेकर राशन बंटवाने का आरोप लगाया है। राशन डीलर का कहना है कि पर्यवेक्षक अधिकारी वहां आते हैं और पैसे की मांग करते हैं, पैसे देने के बाद ही राशन का वितरण कराया जाता है। राशन डीलर फतेहगढ़ ने विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि विभागीय अधिकारियों के कहने पर ही वह एक यूनिट पर 3 से 4 किलो गेहूं लाभार्थियों को वितरण कर रहा है, 1.5 लीटर मिट्टी का तेल देते हैं। राशन डीलर का यह भी कहना है कि वह विभागीय अधिकारी को रुपए देता है, जिसके चलते कोई भी विभागीय अधिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राशन डीलर का यहाँ तक कहना है कि उसका कोटा कोई भी निरस्त नहीं करा सकता, अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह कोटा ले ले और एक यूनिट पर 5 किलो बांट कर दिखाए। विभागीय अधिकारी उससे 3 से 4 किलो एक यूनिट पर राशन बंटवाते हैं। देखो जी, आप साली को ले जाए 1500 रुपया तो जो हमें पर्यवेक्षक और वो हमें कागज है, काम है वहाँ से पैसे सब लिए।